हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML स्टाइल CSS के बारे में। यहाँ पे CSS की जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जनरली जो है CSS आपके वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने का काम करती है। जनरली CSS के अंडर जो है हम अपने टेक्स्ट को जो कि वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होना है या आपने करना है उसको जो है उसके टेक्स्ट को जो है कलर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट, एलिमेंट पोजिशनिंग, बैकग्राउंड इमेज और बहुत कुछ CSS की हेल्प से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका वेब पेज और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। तो इस काम के लिए हम जो है वो CSS का यूज़ करते हैं। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तीन तरीके की जो CSS है वो हम यूज़ करते हैं। पहली जो है वो है इनलाइन। जो इनलाइन CSS है वो किसी एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को ही मतलब आपको अच्छी लुक देती है। मतलब अगर आपको किसी एलिमेंट के ऊपर, स्पेसिफिक किसी एलिमेंट के ऊपर ही थोड़ा काम करना है, अट्रैक्शन लेके आनी है, कलर करना है या फॉन्ट करना है कुछ भी, तो आप जो है वो इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। इंटरनल CSS आती है इसके बाद। इसका काम क्या है? अगर आपका काम जो है वो इनलाइन से पूरा नहीं हो रहा है, मतलब आपको जो है पूरे वेब पेज के ऊपर ही काम करना है अट्रैक्शन का, तो उसके लिए हम जो है वो इंटरनल CSS का काम करते हैं, इंटरनल CSS को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल जो है जब आप वेबसाइट बनाने के काबिल होंगे, जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक पेज तो आता नहीं है, तो उसके अंदर जो है मल्टीपल पेजेस आते हैं। मान लो दो या दो से ऊपर, वो चाहे 50 हैं या 100 पेजेस हैं, तो इस वाले काम में जो है हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम ये इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS को विद कोड। तो फर्स्ट जो हमने बात की थी वो है हमारी इनलाइन CSS। इनलाइन मैंने आपको बताया कि ये सिंगल HTML एलिमेंट को ही अट्रैक्शन देती है, या अगर आपने कुछ फॉन्ट या कलर कुछ भी करना है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए हम जो है पहले के जैसे ही एक नोट पैड की फाइल खोलने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करता हूँ। HTML आपने शुरू किया और HTML आपने एंड कर दिया। सेकंड जो है आपने बॉडी शुरू किया और बॉडी ही क्या किया, एंड किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है एक हेडिंग टैग शुरू किया H1, और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू CSS कोडिंग। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जो HTML के ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है। इसको हम सेव करेंगे। क्या करेंगे हम इसका सेव? STYLE स्टाइल 1.html, ठीक है। तो ये आपने सेव कर दिया। लोकेशन वही है, दिस PC डेस्कटॉप और ऑनलाइन फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। एक मिनट रुको, जरा ये थोड़ा छूट गया। H1 क्लोज हो गया। इसको हमने अब जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया। इस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करने वाले हैं अपने ऑनलाइन फोल्डर में जहाँ पे हमने ये सेव किया है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अब हमने ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपने सिंपल सा एक कोड लिखा था वो आपको एज इट इज़ H1 जो आपने टैग यूज़ करा है HTML के अंदर, तो वहाँ पे H1 के अकॉर्डिंग आपको ये कोड यहाँ पे दिख रहा है। अब जो है जैसे आपको पता ही है कि ये सारा क्या है, एक तरह से HTML एलिमेंट है। उसका फर्स्ट है क्या है, H1 है, और लास्ट है क्या है, H1 क्लोज है, ठीक है। तो कंप्लीट क्या है ये HTML एलिमेंट। तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे थे कि इनलाइन CSS जो है वो एक सिंगल HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ब्लैक आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अभी मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर में आए। तो इसके लिए मैं जो हूँ वो स्टाइल HTML एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मतलब छोटा पार्ट है CSS का इनलाइन, ये इनलाइन CSS। तो उसके लिए मुझे जो है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ पे, HTML एलिमेंट के फर्स्ट टैग में। और फर्स्ट टैग कौन सा है, फर्स्ट टैग कौन सा है, H1। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, मुझे जो है वो स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा इस HTML एलिमेंट में जिसे मुझे अट्रैक्टिव बनाना है। तो मैं कहाँ पे लिखूंगा एट्रीब्यूट को, इस टैग के, इस एलिमेंट के फर्स्ट टैग में। और फर्स्ट टैग कौन सा है, या फर्स्ट टैग या यूं बोलें स्टार्ट टैग कौन सा है,
एच वन स्टार टैग है। तो सिंपली यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ एस टी वाई एल ई स्टाइल इक्वल टू, कलर कौन सा करना है, रेड, बस। और यहाँ पे ये कॉमा लगा देंगे ये। तो ये हो गया हमारा कौन सा इनलाइन, पर देखते नहीं है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको सेव करूंगा और जो हमारी फाइल ओपन है जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इनलाइन सीएसएस उस पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो चुकी है और आपको जो है कलर इसका जो है वो रेड भी मिल रहा है। ये देखिए, ठीक है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने स्टाइल सीएसएस जिसको हम बोलेंगे इनलाइन सीएसएस वो मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एक और टैग मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एचटीएमएल का ही, पर यहाँ पे मैं हेडिंग जो है वो 3 करता हूँ, 3 क्लोज किया। हाउ आर यू, सिंपल एक टेक्स्ट मैंने, पर इसका मैं कलर क्या करूँगा, ब्लू कर रहा हूँ। फाइल को मैं सेव करूँगा और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि H3 हेडिंग के अंदर जो है यहाँ पे मुझे हाउ आर यू डिस्प्ले मिल रहा है ब्लू कलर के साथ। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इनलाइन सीएसएस H3 के स्टार्ट टैग में यूज़ करी है। ठीक है, तो ये होगी हमारी इनलाइन सीएसएस। इसके बाद आएगा हमारा इंटरनल सीएसएस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल सीएसएस जो है कंप्लीट वेब पेज के अंदर आपने कंटेंट लिखा हुआ है उसको अट्रैक्शन देने का काम करती है या उसको स्टाइल, एक्स्ट्रा स्टाइल आपको आपको प्रोवाइड करेगी इंटरनल सीएसएस। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्योंकि अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग हैं या मल्टीपल यहाँ पे इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 4 करता हूँ, 3 to 4, यहाँ पे भी जो है वो 2 और यहाँ पे 4। तो मल्टीपल लाइंस मेरे पास हैं यहाँ पे, सिंगल मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो इस केस में जो है मुझे जो है हर केस में जो है बार बार जो है वो सी एस एस स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 लाइंस होंगी या 100 HTML के एलिमेंट होंगे बॉडी के अंदर तो आपको जो है हर एक लाइन के ऊपर लगाने पड़ेगी। तो इस वाली दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो इंटरनल सी एस एस का यूज़ करेंगे। अब इंटरनल सी एस एस में क्या होता है, जनरली हम जो है HTML के बाद और बॉडी से पहले ही इंटरनल सी एस एस को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो आपने नीचे कोड लिखा हुआ है स्टाइल का, ये आपको सिर्फ एक बार ही ऊपर लिखना है और बाय डिफॉल्ट ये पेज उस कोड को पिक कर लेगा। और कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं अभी। तो इंटरनल सी एस एस का जनरल कोड ये है कि आपको स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो स्टाइल HTML एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। इसके शुरू किया आपने स्टाइल, क्लोज किया और इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं फिर से। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे हो रहा है, पर मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ सब कुछ, क्योंकि बार बार क्यों करना, एक बार ही करते हैं। और उस काम के लिए कौन सी सी एस एस है हमारे पास, इंटरनल सी एस एस, जिसका हम एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको मैं फाइल को सेव करता हूँ, सेव कर लिया। जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब कुछ आ चुका है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में है और ये हेडिंग है। इसको काम करता हूँ मैं, इसको मैं पी में कर दूँ। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा पी मैंने यहाँ पे शुरू किया और पी ही जो है वो क्लोज करना होगा। तो ये मैंने एक के लिए, एक केस में क्या कर दिया, पैराग्राफ टैग जो है वो मेंशन कर दिया, बाकी जो है मैंने हेडिंग टैग यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश किया तो मैंने ये आ गया, ये पैराग्राफ आ गया, बाकी जो है हेडिंग के अंडर आ रहे हैं। अब देखेंगे, हेलो हाउ आर यू 3, यहाँ पर मैं यहाँ करता हूँ 2 और यहाँ पर करता हूँ मैं 4, ताकि यूनिकनेस रहे, आपको समझ आए आराम से। ठीक है, 3 to 4। ठीक है, तो अब देखेंगे आप मैं कौन सा केस कर रहा हूँ इंटरनल सीएसएस का। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल सीएसएस में मुझे जो है बॉडी और एचटीएमएल के बीच में सीएसएस को मेंशन करना होगा, उसका कोड लिखना होगा। तो उसके लिए क्या है, स्टाइल
टैग मैंने शुरू किया और जो है वो स्टाइल ही क्लोज कर दिया। ठीक है, ये काम आपने कर दिया इंटरनल सेल्स केस में। तो यहाँ पे जो है अब आपको मेंशन करना होगा कि पी की आपको क्या प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे चाहिए कि पी का जो है क्या होना चाहिए, पी का जो है क्या आपको प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पे आपको इस तरीके से मेंशन करनी होगी। यहाँ भी करते हैं, पहले करते हैं पी, क्योंकि हमारा यहाँ पे पी है पहले, तो मैं पी को मेंशन करूँगा। यहाँ पे पी मैंने कर दिया और ब्रैकेट करली ब्रैकेट शुरू करेंगे और करली ब्रैकेट ही क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन कर देता हूँ कि मुझे पी क्या चाहिए, कलर कौन सा कलर चाहिए मुझे, रेड। ठीक है, तो मैंने पी की प्रॉपर्टी मेंशन कर दी रेड। ठीक है, तो पी की प्रॉपर्टी कौन सा मैंने मेंशन कर दी, यहाँ पे रेड मेंशन कर दी है। अब क्या करते हैं, एच थ्री की प्रॉपर्टी क्या चाहिए आपको, वो भी आपको मेंशन करनी होगी। यहाँ पे एच थ्री आ गया, एच थ्री की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड। और थोड़ा कोड जो है आपको दिखने में दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ इसको, ताकि अब यहाँ पे कलर कौन सा करना है इसका, ब्लू करना है, ब्लू कर दिया सिंपली, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, H2 है, तो H2 यहाँ पे जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ H2, और वही केस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और कलर ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया, पर यहाँ पे जो है आपको सेमी कॉलन ऐड करना होगा हर केस में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फाइल को हम सेव करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं ये काम हो रहा है या फिर नहीं। तो आप देख रहे होंगे जो भी आपने कोडिंग में मेंशन करा है वो सीएसएस यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन करा है कि मुझे पी का जो है कलर कौन सा चाहिए, रेड चाहिए। जहाँ पे भी पी टैग आपने यूज़ किया होगा उसका कलर जो है रेड हो जाएगा। एच थ्री के लिए आपने मेंशन करा है इंटरनल सीएसएस के अंदर कि कौन सा चाहिए आपको, ब्लू कलर में चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में आपको मिल रही है। ठीक है, एच टू के लिए आपने कौन सा मेंशन करा है, ग्रीन करा है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रीन कलर में आ रहा है एच टू। ठीक है, अब इस कोड का एक आप बात देखेंगे अभी कि जितना मर्जी आप इसको एच वन, जहाँ जितनी बार भी आप पी टैग यूज़ करेंगे उतनी बार आपको जो है वो कलर जो है वो ब्लू देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने पी किया वेलकम 4 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी मेंशन किया, कंट्रोल्स को सेव किया, हमने सेव किया थोड़ा इसको, मैं फॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो आपको जो है वो कहाँ गया इसका, साइज जो है वो 9 कर लेते हैं, छोटा हो गया। इलेवन करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोडिंग में जो है ये हमने कर रखा है, जितनी बार भी आप पी टैग यूज करेंगे वे बाय डिफॉल्ट जो है इनलाइन सीएसएस की वजह से जो है वो इसको ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी और कलर कौन सा मिलेगा आपको, ब्लू मिलेगा हर बार, सॉरी रेड मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रेड मेंशन करा है। तो ये जो है वो इनलाइन सीएसएस है हमारे पास, जो कि अभी हमने देखी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ इसका, आपको इनलाइन सीएसएस का फायदा ये हुआ कि आपको जो है बार बार कोड को मतलब एलिमेंट के अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोड कौन सा, सीएसएस का कोड जो है आपको बार बार जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है एलिमेंट के अंदर, आपने सिर्फ एक बार यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हुआ है और ये काम आपका हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है
कौन सी आ गई, एक्सटर्नल सीएसएस की। इससे पहले मैं आपका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। फॉन्ट पे ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है हम अब रिवर्ट कर लेते हैं अगले एग्जांपल के लिए। बॉडी जो भी है ये सेव कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा आती है अगली बात एक्सटर्नल सीएसएस की। एक्सटर्नल सीएसएस जो है विच यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर मैनी एचटीएमएल पेजेस। ये कौन सा एग्जांपल आता है, जब आपके पास एक वेबसाइट है उसके अंदर 50-100 पेजेस हैं, तो उस केस में जो है आप सीएसएस का फोल्डर, सीएसएस की फाइल जो है वो अलग से लिखेंगे और जिस पेज के ऊपर आपको जो सीएसएस कॉल करनी है आप आराम से कर सकते हैं। मतलब हर एक पेज के अंदर आपको सीएसएस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार मेंशन करेंगे और मल्टीपल पेजेस के अंदर आप उसको कॉल कर सकेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर करने काम करने के लिए आपको जो है दो फाइल चाहिए होती हैं। पहली फाइल कौन सी, सीएसएस की फाइल और दूसरी कौन सी, एचटीएमएल की। जैसे आपने एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वैसे ही आप जो है सीएसएस का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को जो है कॉल करेंगे। ये कैसे होगा ये हम देखते हैं। अब बात कौन सी कर रहे हैं हम, अभी हम कर रहे हैं बात एक्सटर्नल सीएसएस की। तो यहाँ पे जो है आपको कहीं पर भी सीएसएस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको फाइल को हम सेव कर लेते हैं फाइल के नाम से, और इसके लिए मुझे जो है एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पहला कौन सा सीएसएस का डॉक्यूमेंट और दूसरा कौन सा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट। तो पहले हम कर लेते हैं काम सीएसएस के डॉक्यूमेंट के ऊपर। जनरल कोडिंग जो है वो उस डॉक्यूमेंट की इस तरीके की मिलती है, बॉडी को आपको मेंशन करना होगा, मतलब बॉडी जो भी आपको वहाँ पे आपने एचटीएमएल एलिमेंट यूज़ किया है वो आपको मेंशन करना होगा। अगर बॉडी किया है तो बॉडी भी, बॉडी की जो बॉडी कलर आएगा वो यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे, H1 का जो है वो आप मेंशन कर पाएंगे। इसको हटा देते हैं एक बार जरा ये कुछ, ठीक है, कलर को मेंशन कर पाएंगे। मतलब जो भी आपने लास्ट टाइम किया वो आपको अलग पेज में करना है, ठीक है। तो सिंपली ये शुरू करते हैं हम। यहाँ पे जो है मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग पहले मैं खोल लेता हूँ साथ में। ये आ गई आपकी ब्लैंक जहाँ पे हम जो है वो सीएसएस का लिखेंगे कोड, और अगले में हम क्या है इसको मैं ओपन विद नोट पैड करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ये आ गया एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट जो हमने बना बनाया है, ठीक है, जो लास्ट टाइम भी किया था हमने। अब इस डॉक्यूमेंट की जो है मैं सीएसएस जो है वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि बॉडी का कलर भी जो है कुछ और आ जाए, और ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट ये है, ठीक है, ये एचटीएमएल है इसका, ये उस एचटीएमएल की कोडिंग है, ठीक है, और ये जो है मैं सीएसएस लिखने वाला हूँ इस डॉक्यूमेंट की। जनरली मैं चाहता हूँ कि बॉडी का जो है वो कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो BOD बाय करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट एंड, ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या कोडिंग थी हमारे पास बॉडी की, ये देखिए बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे सिंपली जो है वो पेस्ट कर देंगे, ये आ गया। तो बॉडी कलर क्या, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। साथ में इसको चेक भी कर लें हम तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सीएसएस का डॉक्यूमेंट है। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो है इसको डॉक्यूमेंट को सेव एज जो है वो .css के नाम से करना होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ css, जो भी आपने, मैंने cs1 नाम दे दिया, और .css ये ज़रूरी काम है यहाँ पे। css का डॉक्यूमेंट जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसको .css का नाम आपने देना है, या ये एक्सटेंशन के साथ आपने इसको सेव करना है। और कहाँ पे करना है, उसी फोल्डर में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं कर रहा था डेस्कटॉप के एक ऑनलाइन फोल्डर में, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया।
ठीक है। तो जब आप सेव करेंगे तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा गेयर आइकन के साथ, ठीक है। तो इस आइकन के बाद अगला जो स्टेप हमारा है, ये हमारी कोडिंग वाला पार्ट था, ये हमारी सीएसएस है और ये जो है हमारा एचटीएमएल कोड है। तो यहाँ पे जो है मुझे अब इस वाली फाइल को यहाँ पे मेंशन करना होगा, या फिर यूँ कहें लिंक करना होगा। तो कहाँ पे लिंक करेंगे? एचटीएमएल और बॉडी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो है क्या कोड लिखना होगा, मैंने आपको यहाँ मेंशन करा था कि ये वाला लिंक लिंक एचटीएमएल टैग जो है आपको यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बॉडी और एचटीएमएल के अंदर मुझे ये फाइल पेस्ट करनी होगी। कई केसेस में जो है हम हेड टैग का, हेड एलिमेंट का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे उतनी ज़रूरत अभी है नहीं, उतना लेवल का ये प्रोग्राम है नहीं। तो हम जो है एचटीएमएल और बॉडी के बीच में इसको डाल रहे हैं। लिंक जो है लिंक में स्पेस देंगे और रिलेशन कौन सा है, ये स्टाइल शीट है, और हाइपर रेफरेंस कौन सा है इसका, कौन सा यहाँ पे आएगा, फाइल नेम आएगा। तो हमने जो है अपने इस फाइल को नाम दिया है CS1, तो मैं भी क्या करूँगा यहाँ पे CS1 नाम इस यहाँ पे दे दूंगा, CS1, ठीक है, .css। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस फाइल को भी मैं सेव करूँगा और इस फाइल को भी मैं सेव करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं कि HTML का जो ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लू कलर आ गया बैकग्राउंड का। अब ये हो रहा है, एक बार फिर से हम समरी कर लेते हैं इसको। ये मेरा HTML का पेज है, ठीक है। HTML के पेज में मैंने कहीं भी स्टाइल का मेंशन नहीं किया, क्योंकि हम एग्जांपल कर रहे हैं एक्सटर्नल CSS का। मैंने कहीं भी स्टाइल मेंशन नहीं किया है और सिंपल HTML का पेज बनाया हुआ है। स्टाइल के लिए मैंने सिर्फ, और स्टाइल का मैंने सिर्फ लिंक दिया है। लिंक में मैंने क्या मेंशन करा कि हाइपर रेफरेंस कौन सी फाइल का है, CS1.css, और ये फाइल मैंने अलग से बना के रखी है जिसमें मैंने मेंशन किया है बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेड करता हूँ तो वो जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे इस लिंक की हेल्प से जो है हमारी CSS की फाइल कॉल हो रही है, जो मैंने यहाँ पे कर रखी है। और इनकी पोजिशनिंग कहाँ पे है वो मैं भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा HTML का पेज है और ये हमारी CSS है। अगर आपको सेम लोकेशन है फोल्डर के अंदर, मैं दोनों फाइलें एक ही फोल्डर के अंदर हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर एड्रेस। आपको सिर्फ फाइल का नेम देना है हाइपर रेफरेंस में। तो इस तरीके से जो है आप एक्सटर्नल CSS के ऊपर काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो पी टैग का भी चेंज करना है, तो पी स्टार्ट की आपने ब्रैकेट और क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है सीएस वाला पार्ट, सिंपली वही जो आपने किया था, कलर इज कलर और रेड। क्या करेंगे, COLOR, और इसको मैं जो हूँ अब BLUE ब्लू करता हूँ, ठीक है। तो इसके इससे क्या होगा, इस कोड को लिखने से क्या होगा, जहाँ पे मेरा पैराग्राफ टैग है वो क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर में आपको दिखेंगे। तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो बॉडी कलर है वो रेड आ रहा है और कलर जो है पी का वो कौन सा आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे फिर से आपको जो है वो वाइट कर देता हूँ, और बाय डिफॉल्ट ही वाइट ही होता है कि आपको दिख पाए आराम से। तो ये देखिए आप चेंजेस आपको CSS के दिख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है कौन सा, एक्सटर्नल CSS का। अब जो है बात आती है हमारे पास अगली, जो क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की हेल्प से आप कैसे कलर, फॉन्ट और उनके साइज को बदल सकते हैं। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पर ये वाला एग्जाम्पल जो है एक तरह से आपको मैं इकट्ठा करके बता दूंगा यहाँ पे। जैसे कि आपको ये सिंपल कोड है HTML का, ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे अब स्टार्टिंग से करते हैं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हटा के इसको क्या करना होगा, मुझे एक सिंपल कोड मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो। तो बॉडी के अंदर मैंने जो है ये कोड कॉपी किया और पेस्ट किया। यहाँ पे जो है मैं इसको स्टाइल मेंशन करता हूँ,
एस टी बाय एल ई, ये कौन सा एग्जांपल है स्टाइल वाला, ये है इंटरनल सी एस एस का। तो इंटरनल सी एस एस की हेल्प से जो है मैं आपके बता रहा हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक्सटर्नल या फिर आप इनलाइन सी एस एस या फिर एक्सटर्नल सी एस एस की हेल्प से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टाइल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ मैंने मेंशन किया एच, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा क्यों टाइप करना टाइम सेविंग के लिए। तो स्टाइल के अंदर मैं चाहता हूँ कि H1 की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कलर कौन सा आए, ब्लू कलर में आए। H1 कौन सा है, ये वाला है H1, ठीक है। कलर कौन सा आए, ब्लू आए। फॉन्ट फैमिली कौन सी आए, वरदाना आए। और फॉन्ट साइज क्या है, क्या आए 300%, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने स्टाइल की मेंशन कर दी हैं। कौन सा वाला केस है ये केस मेरे पास है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को जो है कलर करना है, स्पेसिफिक टेक्स्ट को फॉन्ट साइज बदलना है, उसका साइज अप एंड डाउन करना है, तो वो एग्जांपल है। तो यहाँ मैंने ये मेंशन कर दिया है और जब हम इसको सेव करेंगे, मैं सेव एज कर लेता हूँ और काफ़ी हो गया। फॉन्ट डॉट डॉट एच टी एम एल के नाम से, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूँगा तो फोल्डर हमारा वही है, कोई टेंशन की बात तो है नहीं। ये करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपने सी एस एस स्टाइल की हेल्प से जो भी आपने फॉन्ट किया था वरदाना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वेब पेज के ऊपर। साइज़ क्या है 300%, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। कलर कौन सा है, ब्लू। तो ऐसे ही आप जो है वो पैराग्राफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आपका और होगा टैग या एचटीएमएल एलिमेंट, उसके लिए भी आप आराम से यूज़ कर पाएंगे इसको। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपने सी एस एस के अंदर टैग मैंशन करा, सॉरी फॉन्ट फैमिली मैंशन करी है, वो फॉन्ट फैमिली आपकी सिस्टम के अंदर भी होनी चाहिए, तभी ये फॉन्ट को सपोर्ट करेगा। और चेक कैसे करेंगे कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी फॉन्ट फैमिली है, तो उसके लिए आपको दिस पीसी में जाके सी फोल्डर के अंदर सिस्टम्स कहाँ है यहाँ पे, सॉरी विंडोज़ के अंदर जाएंगे। विंडोज़ के अंदर यहाँ पे आपको फॉन्ट नाम का फोल्डर मिलेगा। तो ये सब फॉन्ट जो आपके सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ये सब फॉन्ट जो है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली के अंदर, ठीक है। अगर कोई आपने यहाँ पे ऐसा फॉन्ट मेंशन कर दिया जो आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, तो वो उसका एक्शन आपको परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। उस तरह का फॉन्ट आपको आपकी वेब पेज के ऊपर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉन्ट ऐसा है कोई, तो आप या फिर उसको इंस्टॉल कर लो या फिर यूज ही मत करो, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा हो गया सी एस एस का कलर, फॉन्ट और साइज के बारे में। अब आते हैं सी एस एस बॉर्डर के बारे में। सी एस एस बॉर्डर इज अ प्रॉपर्टी डिफाइन अ बॉर्डर अराउंड द एच टी एम एल एलिमेंट, मतलब एच टी एम एल एलिमेंट का जो भी बॉर्डर आपको इसकी हेल्प से आप सेट कर पाएंगे, एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं, पर अभी थोड़ा इसको देख लेते हैं, तीन चार टॉपिक इकट्ठे ही हैं ये। अगला आता है सी एस एस पैडिंग। सी एस एस पैडिंग क्या है, इट डिफाइन स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड बॉर्डर। सिंटेक्स क्या है, पैडिंग और 30 पिक्सल। मार्जिन क्या है, सिंटेक्स क्या है इसका, मार्जिन। और ये क्या होता है, डिफाइन अ मार्जिन आउटसाइड द बॉर्डर, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर इसको हम देख लेते हैं, ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, इसको ही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए। और ये आ गया हमारा एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज, फिर समझते हैं क्या हो रहा है काम। ये एक्स्ट्रा ई एक्स टी आर ए एक्स्ट्रा के नाम पे मैं सेव कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा डॉट एच टी एम एल, ये फाइल मेरी सेव हो गई। और इस फाइल की जो आउटपुट है, क्या फोन करना चाहिए हमें, इस फाइल की आउटपुट क्या है, ऑनलाइन फोल्डर के ऊपर चेक कर लेते हैं हम, एक्स्ट्रा फॉन्ट का इस तरीके का आपको दिख रहा है, ठीक है। इस कोड की हेल्प से जो है वो ये पेज आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने सी एस एस के अंदर जो है पैराग्राफ का जो है क्या है, बॉर्डर असाइन कर रखा है, पैडिंग असाइन कर रखी है ये वाला जो है, और मार्जिन असाइन कर रखा है, ठीक है। तो पहला क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर की मैं फिर से बात करूं तो यहाँ पे कहाँ गया बॉर्डर, इट बॉर्डर डिफाइन अ बॉर्डर अराउंड द एच टी एम एल एलिमेंट। जो भी आप एच टी एम एल एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अराउंड कितना आपको बॉर्डर चाहिए, अगर ये एलिमेंट है तो इसके अराउंड आपको कितना बॉर्डर चाहिए,
इसके अराउंड कितना बॉर्डर चाहिए, तो वो चेंजेस करके देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ तो ये आपको बॉर्डर मिल रहा है इसके अराउंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ और फाइल को जो है वो सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बॉर्डर जो है कम आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर यहाँ पे 5 करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर जो है इतना मोटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप जो है बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और सॉलिड ये भी ब्लू यहाँ पे कलर सॉलिड मतलब थोड़ा बड़ा आपको मिलेगा सॉलिड में, और पावर पावर ब्लू कलर आपको मैच नहीं मिलेगा, ब्लू कलर का आपको बॉर्डर मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात पैडिंग की। पैडिंग क्या पढ़ा हमने, पैडिंग हमने देखा कि डिफाइन स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड बॉर्डर, ये वाला जो स्पेस है आपका टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है वो किस में आएगा, पैडिंग में आएगा। 30 है अभी, इसको मैं चेंज करता हूँ। अभी के लिए आपका ये दिख रहा होगा बॉर्डर आपको इतना बड़ा, यहाँ मैं करता हूँ 10। जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आपको मिलने वाले हैं, ये बॉर्डर जो है वो कम हो गया। तो ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। अब है ये मार्जिन। मार्जिन यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्जिन हमने देखा डिफाइन मार्जिन आउटसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के बाद का जो केस है, बॉर्डर के बाद का जो केस है वो मार्जिन कितना है वो हमें इस से डिफाइन होता है। अगर मैं यहाँ करता हूँ 1%, तो मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए, ठीक है, कितना कम हो गया। अगर आपको ये बड़ा करना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए वैल्यू, सेव कीजिए और इसको रिफ्रेश कीजिए, तो ये मार्जिन थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये आप जो है अपने वेब पेज के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं स्टाइल का, ठीक है, इनलाइन सीएसएस की हेल्प से। अच्छा, तो ये आ गया हमारा पैराग्राफ का पैडिंग और मार्जिन वगैरह। अब एक केस आता है लिंक टू एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। ये केस जो है जनरली ये वाला ही केस है जो हमने ऊपर देखा था। कौन सा केस है ये हमारा केस है एक्सटर्नल सीएसएस का। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर आपकी सीएसएस जो है विद इन फोल्डर ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो है अपनी एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल का नेम मेंशन करना होगा एचटीएमएल एलिमेंट के, सॉरी एचटीएमएल फाइल के अंदर, कहाँ पे, लिंक में। सिर्फ आपको नाम मेंशन करेंगे और सीएसएस जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या केस है, एक्सटर्नल, अगर आपकी सीएसएस किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है तो क्या, ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सीएसएस को क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और किसी और फोल्डर में डाल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर, एक फोल्डर है यहाँ पे, यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाता हूँ और नाम से, न्यू फोल्डर में जाएंगे हम, एक्सटर्नल डाल दिया यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीएसएस जो है वो पेस्ट कर दी, ठीक है। तो इसका जो है पाथ है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस केस में जो है आपको जो है वो सीएसएस का जो पाथ है वो अपने कोड में मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्सटर्नल केस का एग्जांपल हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस का, ठीक है। ये आ गया हमारा एचटीएमएल पेज, यहाँ पे ये हमारा सीएसएस का कोड है और यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एचटीएमएल का कोड है और ये हमारा सीएसएस का कोड है। इसकी मैंने लोकेशन बदल रखी है अभी, ये कहाँ पे सेव एज है, ये है जी डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया एक्सटर्नल नाम का, और यहाँ पे मैंने इसको जो है वो cs.css के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो मुझे जो है ये लोकेशन यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है, नाम के साथ मुझे जो है ये लोकेशन मेंशन करनी होगी। फाइल नेम क्या है cs और इसकी लोकेशन क्या है फोल्डर की, ये देखिए यहाँ पे ये लोकेशन यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, यहाँ क्लिक किया तो ऐसे आ जाएगा, कॉपी किया
और ये लोकेशन आपने यहाँ पे अपनी पेस्ट करनी है एचटीएमएल के अंदर, हाइपर रेफरेंस डाल दिया, और यहाँ पे जो है स्लैश करके कौन सी फाइल है हमारे पास, सी एस डॉट सी एस एस डॉट सी एस 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 के नाम से, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, थोड़ा सिमिलर है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की फाइल लोकेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी एक्सटर्नल सीएसएस की हेल्प से, अगर आपकी लोकेशन जो है कोई और है करंट फोल्डर के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखना इस फाइल के अंदर, पहले इसको हम रन कर लेते हैं, सेव एज एक्सटर्नल डॉट एच टी एम एल, सॉरी ये कहीं और सेव हो गया हमारा, एक्सटर्नल सेव एज कहाँ करेंगे इसको हम, किसी और लोकेशन में सेव करते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको सीधा ही डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ, ठीक है। सीधा मैंने कहाँ सेव कर दिया, डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल आ चुकी है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एचटीएमएल पेज है, यहाँ पे क्या हो गया कि ज़रा वाइट आ गई, ठीक है, ब्लू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लोकेशन जो है वो ये एचटीएमएल का पेज है, ये हमारी सीएसएस है, और इन दोनों के लोकेशन अलग अलग है। कैसे, यहाँ पे मेरा जो है वो ये मेरा एक्सटर्नल वाला पेज, यहाँ पे हमारा पेज है, और सीएसएस मैंने इसकी यहाँ पे सेव कर रखी है, ठीक है, ये वाली। तो क्या हुआ, अब दोनों सब कुछ जो है वो अलग अलग करके रखा हुआ है, पर क्या है हमने किया है चेंज, यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये सीएसएस हमारी फाइल यहाँ पे है। तो इस तरीके से अपनी सीएसएस को आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं और पेज के अंदर लिंक एचटीएमएल एलिमेंट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा केस था एक्सटर्नल सीएसएस का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, एक क्विक रिवाइज अगर हम करें इसका, तो हमने क्या किया एचटीएमएल सीएसएस के बारे में देखा, तीन तरीके से है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन क्या है, स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए यूज़ होती है। इंटरनल क्या है, किसी एक स्पेसिफिक वेब पेज के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल क्या है, मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर हम काम करते हैं इसके ऊपर, मतलब आपको एक बार सीएसएस डिफाइन करनी होगी और अलग अलग पेजेस के अंदर आप इसको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा सीएसएस के अंदर, एचटीएमएल के अंदर कलर, फॉन्ट और साइज़ के बारे में, कैसे आप टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट और उनका साइज़ बदल सकते हैं। फिर हमने देखा बॉर्डर के बारे में, जो हम सीएसएस की हेल्प से बदल सकते हैं, पैडिंग के बारे में, ठीक है, और मार्जिन के बारे में हम कैसे सीएसएस के अंदर सेट कर सकते हैं। फिर हमने बात किया लिंक टू एक्सटर्नल सीएसएस, मतलब आपकी सीएसएस कहीं और है, एचटीएमएल का पेज कहीं और है, तो कैसे उनको आप लिंक कर सकते हैं विद एचआरईएफ में लोकेशन डाल के। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। कोई कमेंट, अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।